इक्वेशन के लिहाज से हमारे पास मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वह है पॉलिनोमियल फंक्शंस, सम इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम इसको एमसीक्यूज, क्योंकि ई कैट में आपके पास एमसीक्यूज ही होंगे, हम स्टार्ट ही एमसीक्यू से करते हैं। तो लेट से अगर एमसीक्यू है, जो कि मैं एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, पास पेपर से ले रहा हूँ। अब एक एमसीक्यू है जी कि 7y², मैं क्विकली लिख लेता हूँ इसको, 7y² प्लस 5√y प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल, इज ए, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल ओवर। अब हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू है इंटीजर्स। ऑप्शन नंबर थ्री है रैशनल नंबर्स, और उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर है नन। यानी हमें ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इज ए पॉलिनोमियल ओवर नेचुरल इंटीजर्स रैशनल एंड नन। लेकिन अब यहां पे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है, स्टूडेंट्स विदाउट कंफर्मिंग कि क्या ये पॉलिनोमियल भी है या नहीं है। बिकॉज पॉलिनोमियल की जो है डेफिनेशन वो क्या है, पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें जो भी वेरिएबल यूज होगा उसकी जो पावर होगी वो होल नंबर से बिलोंग करेगी, यानी वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करेगी, यानी पावर शुड बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर्स। मतलब कि पावर आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे y की पावर 2 है, सही है, मेक सेंस। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो y स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब है अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म से जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके हूं तो 5y की पावर बन जाएगी 1/2। अब जो पॉलिनोमियल में पावर 1/2 तो होगी नहीं, अगर पावर 1/2 नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है लिहाजा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा नन, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा नन। हाँ, अगर यहां पे ये जो है स्क्वेयर रूट ना होता है 7y² प्लस 5y+3, तो अब ये 7, 5, 3 इनको आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव। तो ये चीज आपने देखनी है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज होंगे, चाहे वो एक्स है, वाई है, जी है, जो भी है, वो वेरिएबल उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है जो कि आपके सामने है, 3x^4 प्लस स्क्वायर रूट 5 × x² प्लस 9x + 8 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, 2, 4, 7। यानी ये चार ऑप्शन है। अब अगर आप देखें तो इस एमसीक्यू के अंदर सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल, चूंकि एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, वेरिएबल जो एक्स की पावर है ये होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, यानी जीरो हो सकती है या होल नंबर्स में हो सकती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। यहां पे एक्स की पावर 4 है जो कि एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, 1 जो है एक होल नंबर है, और एक्स के साथ अगर हम लिखना चाहें तो एक्स रेस्ट पर 0 लिख सकते हैं, जो कि 1 के इक्वल होता है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी एक होल नंबर है। तो लिहाजा ये पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब इसमें हाईएस्ट पावर चूंकि 4 है तो आई विल पिक दिस ऑप्शन, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। अब डिग्री आपको पता है कि हम वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली भी डिफाइन करते हैं, यानी अगर एक अगर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल हो जाए, जैसे मैं बात करूं एक्स की 7, y की 6 प्लस x की 2, y की 3 प्लस x की 3, y की 7। अब इस केस में अगर हम देखें तो अगर हमसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये बात जब सिर्फ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल की बात की जाएगी तो उस केस में, यानी पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स ही, ठीक है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ये दोनों वेरिएबल्स की डिग्रीज का सम होगी, जैसे 7 प्लस 6
13 यहां पे आ रही है और 2 प्लस 3 5 यहां पे आ रही है, 7 प्लस 3 10 यहां पे आ रही है, तो हाईएस्ट क्या है 13 है, 13 मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं अगर स्पेसिफिकली गिवन हो कि डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर आप देखेंगे y कहां पे हाईएस्ट है, y यहां पे हाईएस्ट है, तो आप बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इसकी डिग्री 7 है। अगर विद रिस्पेक्ट टू x पूछ ले तो इसकी डिग्री अगेन 7 है, बिकॉज़ x की भी हाईएस्ट पावर यहां पे 7 है। तो हम ये चीज भी देख सकते हैं, यानी डिग्री का सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है। एक और बहुत सिंपल सा एमसीक्यू हमारे पास, जिसमें हमारे नेम चैप्टर नेम के ऊपर है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस डिग्री की इक्वेशन होती है। तो ये हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है, तो हम सेकंड को यहां पे कंपेयर कर देंगे। जो जो फर्स्ट डिग्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। जो थर्ड डिग्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। इसी तरह जो फोर डिग्री होगी उसको हम बोलेंगे क्वार्टिक। अब यही कॉमन बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक और फोर्थ के लिए क्वाड्रेटिक और फोर्थ के लिए क्वार्टिक। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज। इसी तरह से हमारे पास एक और भी जी, ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड टेट्रानोमियल। अब टर्म बेसिकली क्या है, टर्म अलजेब्रिक टर्म्स हमारे पास प्रोडक्ट या डिवीजन की सूरत में नहीं बल्कि सम और डिफरेंस की सूरत में होती हैं। यानी अगर मैं लिख दूं 4x टाइम या 4x डिवाइडेड बाय 7y प्लस 2x या 2z, तो इसमें तीन टर्म्स नहीं है, इसमें तीन टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये दरअसल एक ही टर्म कंसिडर हो रही है, ये एक ही टर्म कंसिडर हो रही है, बिकॉज 4x बाय 7y ये एक टर्म है और इसमें प्लस 2x ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो टोटल इसमें टर्म कितनी है, जस्ट 2। तो जो डिवीजन और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी होंगी उनको हम जस्ट वन टर्म ही कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं 20 प्लस 7, तो अब अगर मैं 20 को ब्रेक करके लिख दूं तो बेसिकली है ये सारे एडेबल्स हैं, ये सारे सॉल्वेबल हैं, एडेबल हैं। यही चीज हम यहां पे जो है वो इसके अंदर देखते हैं कि टर्म का सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि टर्म से क्या मुराद है। अगर मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 7x लिखा हो, तो अब इसमें अगर देखें बजाहिर तो ये प्लस और माइनस के साथ तीन टर्म नजर आ रही, लेकिन तीन टर्म्स नहीं है, ये दरअसल दो टर्म्स है, क्योंकि x जो है वो x के साथ सॉल्वेबल है। तो ये दरअसल माइनस 5x था, माइनस 5x प्लस 3y था, तो एक्चुअली हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है, टू टर्म्स है। इसका मतलब है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर वन टर्म होगी, जस्ट एक टर्म होगी, जैसे 5, यानी ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके साथ मैं x रेज्ड टू पावर 0 लिख सकता हूं, या 2x। इसे अब दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल। दो टर्म आ जाएंगी जैसे 5x प्लस 7, इसको बोलेंगे बायनोमियल। तीन टर्म्स आ जाएंगे ट्राइनोमियल, चार टर्म्स आ जाएंगे टेट्रानोमियल एंड सो ऑन। इसका मतलब है पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज टर्म्ड एज इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। इसी तरह अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि पॉलिनोमियल से रिलेट करते हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एंड एन, माइनस वन एंड टू और द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 6। ऑप्शन गिवन है 1 3, फर्स्ट ऑप्शन है माइनस 4 9, सेकेंड 2 7, थर्ड और माइनस 4 1 4। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको थ्योरम से जो है वो काफी जो है वो हमांगी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। थ्योरम हमारे पास क्या है, फैक्टर थ्योरम, जो कि ये बात करता है कि अगर माइनस वन और टू इफ दीज आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज का मतलब है कि जीरोज का मतलब है रूट, यानी रूट्स को हम उस पॉलिनोमियल का जीरो भी कहते हैं, बिकॉज माइनस वन और टू ये दरअसल इस पॉलिनोमियल की के लिए वो वैल्यूज हैं एक्स की, अगर एम और एन नोन हो तो इनको पुट करने से हमें पूरी पॉलिनोमियल जीरो आंसर देगी। क्योंकि अगर मैं कहता हूं 4 इज द फैक्टर ऑफ 20, तो 4 को 20 से डिवाइड करने से 4 5 20 रिमाइंडर मेरे पास क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। बिल्कुल यही चीज इसके अंदर है फैक्टर थ्योरम के अंदर, इफ पी ऑफ माइनस वन, यानी p ऑफ माइनस वन इज द
इज द फैक्ट, यानी माइनस वन अगर इसका फैक्टर है तो पी एफ माइनस वन किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। टू अगर इसका फैक्टर है तो पी ऑफ टू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, अगर मैं इसको पी ऑफ एक्स सपोज कर लूं तो। ठीक है, अगर मैं फर्ज कर लूं दिस इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स चले यूं कर लें, ठीक है पी ऑफ एक्स, तो फिर पी एफ माइनस वन एंड पी एफ टू दोनों जीरो के इक्वल होना चाहिए। इस चीज की बेसिस के ऊपर, यानी इसके इस कंडीशन के ऊपर माइनस वन एंड टू मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, यहां पे स्पेस क्रिएट करता हूं मैं। ठीक है चले जी, हम पहले पी एफ माइनस वन देखते हैं, यानी पी एफ माइनस वन का मतलब है कि माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब, यानी वो मेथड है जिस तरह हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन मैं आपको इसका स्मार्ट वे भी बताऊंगा। माइनस वन का क्यूब प्लस एम इंटू माइनस वन का स्क्वेयर प्लस एन इंटू माइनस वन प्लस सिक्स, ठीक है इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होता है, किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नेगेटिव होती है, माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन तो याद रहेगा प्लस एम, प्लस एन इंटू माइनस वन इज माइनस एन, प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई हो गए बन जाएगा एम माइनस एन इज इक्वल टू सिक्स, इधर पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस सिक्स और प्लस वन जो बन जाएगा माइनस फाइव, तो एम माइनस एन इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये तो आ गया फर्स्ट से। इसी तरह अगर आप पी एफ टू फाइंड आउट करते हैं तो वो बन जाएगा, अब देखिए ये चीज टाइम ले रही है हमारे पास, ये चीज टाइम ले रही है, लेकिन चले हम कहां पे कर देते हैं यहां पे, ठीक है पी एफ यानी माइनस टू का क्यूब, माइनस टू का क्यूब प्लस एम इंटू सॉरी प्लस टू है हमारे पास, प्लस टू है तो टू का क्यूब, टू का क्यूब और उसके बाद आ जाएगा प्लस एम इंटू टू का स्क्वेयर प्लस एन इंटू टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा हमारे पास टू का क्यूब एट प्लस फोर एम प्लस टू एन, टू एन ठीक है और प्लस सिक्स। अब अगेन देखें दिस थिंग इज टेकिंग टाइम, तो मैं आपको इसका सिंपलेस्ट वे बताऊंगा, फोर एम प्लस टू एन इज इक्वल प्लस एट प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो, और यहां से अगर आप टू कॉमन ले रहे तो ये रह जाएगा टू एम प्लस एन प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, या ये आ जाएगा टू एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस सेवन। एड कर लिया जाए दोनों को, ठीक है तो माइनस एन प्लस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एम प्लस टू एम इज थ्री एम, थ्री एम और इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस सेवन इज माइनस ट्वेल्व, तो एम कितना आ जाएगा थ्री डिवाइड होगा तो एम आ जाएगा माइनस फोर। सो इसका मतलब है एम जो है वो माइनस फोर, और अगर आपने एन निकालना है तो आप एन की वैल्यू एम किसी एक में डाल दें, ठीक है जैसे इसमें डाल दें एम इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस फोर इधर आके प्लस फोर हो जाएगा तो माइनस फाइव प्लस फोर इज माइनस वन, और माइनस एन को करने के लिए आप दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल आउट करेंगे तो एन इज इक्वल आ जाएगा वन, विच इज ऑप्शन नंबर फोर, विच इज ऑप्शन नंबर फोर। अब इस तरह की रिग्रेस किस्म की कैलकुलेशन में पढ़ने के बजाय मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताता हूं व्हाट दैट वे कुड बी, यानी वो वे क्या हो सकता है। देखिए इसको सॉल्व करने में हमारा काफी टाइम लग गया, एमसीक्यूज के अंदर या ई कैट के अंदर जो चैलेंजिंग चीजें होती हैं वो ये होता है कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट, टाइम की लिमिटेशन होती है, और यही चीज चेक करते हैं कि हाउ स्मार्टली यू वुड प्ले, आप कितना स्मार्टली प्ले करेंगे। आप ऐसा करें वन बाय वन इन वैल्यूज को सपोज कर लें, ठीक है जैसे कोई एक वैल्यू ले लें, जैसे आई ब्रिंग लाइक टू, तो टू का क्यूब, टू का क्यूब ठीक है और प्लस एम, एम को मैं सपोज कर लू एम इज द फर्स्ट वैल्यू, एम इज द फर्स्ट वैल्यू, जैसे मैं फर्स्ट वैल्यू उसके लिए लेता हूं ठीक है वन, ठीक है वन इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर क्या है अगेन टू का स्क्वेयर और प्लस एन कितना है इसके लिए फिर थ्री है, अगर एम वन है तो एन कितना है थ्री, थ्री इंटू इंटू अगेन एक्स की जगह टू प्लस सिक्स एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। टू का क्यूब एट प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस सिक्स, तो ये किसी सूरत में भी जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब है देखिए ये मैं अगर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, अगर मैं ओरली करूं या मेंटली करूं तो आप बहुत जल्दी ये पता चला सकता हूं कि क्या जो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। चले आप ऑप्शन टू पे चले जाएं, थ्री पे चले जाएं, देन यू गो टू फोर, फोर में अगर आप देखें तो माइनस फोर का क्यूब ठीक है जो कि क्या है एम, सॉरी सबसे पहले टू के लिए चेक करें ना हम, टू के लिए किसी एक के लिए, तो टू का क्यूब उसके बाद प्लस फोर, एम इज फोर
एंड अगेन 2 का स्क्वायर प्लस n कितना है, n कितना है हमारे पास m यहां पे हमने रखा था सॉरी -4 है, दिस इज -4 एंड देन 2 का स्क्वायर और प्लस n कितना है 1 × 2 + 6 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 × -4 व्हिच इज -16 प्लस 2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 8 + 2 = 10, 10 + 6 = 16, 16 - 16 = 0, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। तो आप देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त इसको किया तो इसने बहुत कम टाइम लिया, सो दिस इज द राइट वे, दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं हमेशा एनकरेज करता हूं कि रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करें, ठीक है, जहां पे एप्लीकेबल है वहां वो आपका बहुत टाइम सेव करती है। इसी तरह से हम थ्योरम्स के अंदर दो थ्योरम और या तीन थ्योरम और डिस्कस करते हैं, जनरली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने फैक्टर थ्योरम की बात कर ली, फैक्टर थ्योरम के मुताबिक जब हम एक पॉलिनोमियल को लेट से अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल लें 20 डिवाइडेड बाय या यूं कर लें कि 17 डिवाइडेड बाय 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 17 - 15 = 2। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ये कहलाता है डिविडेंड, ये कहलाता है हमारे पास कोशेंट और ये कहलाता है रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास डिविडेंड होता है वो हमेशा इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सिंपल सा, दिस इज व्हाट, अगर आप 3 × 5 = 15 + 2 = 17, तो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो है तो देन कोशेंट और जो डिवाइजर दोनों होंगे वो कहलाएंगे फैक्टर ऑफ द गिवन डिविडेंड। ये बातें दोबारा से सुन लें कि अगर रिमाइंडर यहां पे जीरो आ जाएगा तो कोशेंट और फैक्टर दोनों उस डिविडेंड का, कोशेंट और डिवाइजर दोनों उस डिविडेंड का फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम भी है कि रिमाइंडर थ्योरम यह है कि अगर कोई एक्सप्रेशन किसी और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह से अगर हम एक और पॉइंट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब जो रूट लोकेशन थ्योरम कहते हैं हम उसको, रूट लोकेशन थ्योरम, इस रिलेटेड बी प्रॉब्लम्स आते हैं। रूट लोकेशन थ्योरम ये क्या कहते हैं, रूट लोकेशन थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है जैसे 1 से लेके 2 तक एक क्लोज इंटरवल है, अब हमें चेक करना है कि क्या इस क्लोज इंटरवल के अंदर कोई रूट लाई करता है, यानी विद इन दिस लिमिट कोई रूट लाई करता है किसी भी गिवन फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, उसका मेथड क्या है। उसका मेथड सिंपल सा है, आप एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करें, f(1) कैलकुलेट करें और देन f(2) कैलकुलेट करें। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास इन दो, यानी इस गिवन इंटरवल के दरमियान एक या एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि ग्राफिकली अगर हम इस चीज को स्टडी करते हैं तो ग्राफिकली रूट का मतलब है जीरोज ऑफ द गिवन फंक्शन, मीन के ऐसा पॉइंट जहां पे वो कर्व टच करती है जीरो को। तो जैसे यहां पे देखें, आप गिवन, लेट सपोज 1 ये है, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो अगर आप f(1) करेंगे तो जाहिर है वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी, वो क्या होगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा हमें। f(2) कैलकुलेट करेंगे इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 2, अगर दिस इज 1 और ये 2 हो जाए तो f(1) पे वो नेगेटिव वैल्यू होगी, f(2) पे पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब है फंक्शन पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है फंक्शन ऑब्वियसली क्रॉस करके गया ओरिजिन को, तो अगर वो ओरिजिन को क्रॉस करके गया इसका मतलब है रूट होगा। इसलिए अगर आप नेगेटिव का प्रोडक्ट लेते हैं पॉजिटिव के साथ सो यू गेट नेगेटिव। सो इफ f(1) × f(2) इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि उस गिवन इंटरवल के दरमियान रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, रूट लोकेशन थ्योरम ये बताता है। और अगर दोनों के साइन सेम आ जाए, यानी अगर मतलब इफ इट्स नॉट लेस देन 0, इसका मतलब है देयर इज नो रूट इन द विद इन द गिवन इंटरवल, उस गिवन इंटरवल के अंदर
कोई रूट नहीं है इंक्लूडिंग वन एंड टू वैल्यूज बिकॉज क्लोज्ड इंटरवल है. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डेकार्टे साइन रूल है. ठीक है, डेकार्टे साइन रूल है, ये समटाइम आपकी बुक के अंदर डायरेक्टली हो सकता है गिवन ना हो, लेकिन इससे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर आते हैं. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हवाला बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गिवन फंक्शन है और इस फंक्शन को मैं यहां पर लिख देता हूं, बल्कि हम एक एमसीक्यू ही ले लेते हैं. एमसीक्यू है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 1, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ द फंक्शन आर पॉसिबल. ठीक है, अब डेकार्टे ये कहता है कि अगर आप एफ ऑफ एक्स में देखें कि साइन जो है वो चेंज कितनी दफा होता है, यानी कितनी दफा साइन चेंज हो रहा है. जैसे मैं अगर मैं देखूं यहां पे तो साइन यानी दिस टर्म इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना, ठीक है, वन टाइम हो गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाना सेकेंड टाइम हो गया, फिर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना थर्ड टाइम हो गया. इसका मतलब है फॉर पॉजिटिव, यानी फॉर पॉजिटिव के लिए हम फंक्शन को एज इट इज चेक कर लेते हैं. थ्री जो है वो फंक्शन तीन दफा साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब है जो पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं वो या तो थ्री होंगे या थ्री से लेस होंगे, लेकिन टू के मल्टीपल के लिहाज से, यानी टू के डिफरेंस, या मीन के या पॉजिटिव जो रूट्स होंगे पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे या वन होंगे और थ्री होंगे और थ्री होंगे. अब टोटल इसमें हमें पता है थ्री है रूट्स, लेकिन उसमें वन जो है वो पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं या थ्री, यानी वन के बाद आप टू नहीं कह सकते, वन में आप यानी ऑड मल्टीपल में जाएंगे आप, अगर ये वन है तो फिर आप ऑड मल्टीपल में जाएंगे. ठीक है, इसी तरह से हम नेगेटिव के लिए देखते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं. एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स तो हर जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो थ्री एक्स, एक्स माइनस एक्स का क्यूब माइनस ही होगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव थ्री एक्स क्यूब, बिकॉज नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव रहती है, माइनस फोर ये एक्स स्क्वेयर है तो नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब कर लेगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये माइनस फोर एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, जबकि जो प्लस फाइव एक्स है ये माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, बिकॉज एक्स की पावर वन है जो कि ऑड है एंड माइनस वन. तो यहां पर अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि साइन चेंज नहीं हो रहा, यानी नेगेटिव से देर इज नो पॉजिटिव, नेगेटिव फिर नेगेटिव, तो साइन चेंज नहीं कर रहा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी कोई चेंज नहीं आ रही. इसका मतलब है जो पॉसिबल रूट्स हैं ऑल द रूट्स विल बी थ्री, तो इस तरह से यानी ऑल द थ्री रूट्स विल बी पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो इस तरह से हम जो है वो जो है डेकार्टे रूल को अप्लाई करते हुए आप ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं.